हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सहजन मुनगा का अचार कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं कि हमने इसमें दो तरह का मुनगा लिया है, सहजन लिया है। एक वो है जिसमें ये देखिए, इसमें बीज हो चुका है, और एक ये है जो बिल्कुल कोमल और मुलायम, जिसमें अभी बीज नहीं हुआ है। देखिए, इसको आसानी से आप ऐसे कीजिएगा, ये टूट जाएगा, ये है। और दूसरा ये है कि जिसके अंदर बीज है, बीज बड़ा हो गया, मोटा हो गया ये, तो इसका अचार लगाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको, ये जो छोटा वाला है इसको छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे, इस तरह का टुकड़ा कर लेना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं। साइज आप अपने हिसाब अनुसार भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो खिच्चा मुलायम कोमल जो ये है, इसका फायदा क्या है कि आप जो भी इसमें से लेंगे अपने थाली में खाते समय, तो इसमें से कुछ फेंकना नहीं है, क्योंकि ये इतना मुलायम होगा कि इसका सब कुछ आप खा जाएंगे। तो इसका थोड़ा अलग होता है टेस्ट, और इस तरह से आप बनाकर देखिए एक बार, फिर आपको भी पता लग जाएगा। इसके बाद किस तरह से लगाना है इसको ये बताएंगे और दिखाएंगे। और ये जो हम बनाने वाले हैं इसको, ये किसी कोई भी अचार अगर आपके पास पहले से है तो उसी में हम इसको डालेंगे, इसको अलग से नहीं लगाने वाले हैं। जो आपके पास पहले से कोई भी चीज का हो, आंवला का, मतलब जिस अचार में आप डालेगा उसके जैसा इसका टेस्ट हो जाएगा। जैसे आंवला को, आंवला में अगर डालते हैं तो आंवला का जो स्वाद होता है थोड़ा कसैला होता है, और अगर आप आम के अचार में डालते हैं तो आम खट्टा होता है। तो जिसमें आप डालेंगे उसके जैसा ये लगेगा। और अगर आप इसको मीठा वाला में डालना चाहते हैं, जैसे मुरब्बा वगैरह में, तो उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें डालिएगा तो इसमें इसको जो खाने का टाइमिंग है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, और थोड़ा सा इसको उबालना पड़ता है। और ये जो हम बनाने वाले हैं, ये नमक वाला बनाएंगे। इसके बाद हमारा ये आ गया, इसको ऐसे छील लेना है, जैसे सब्जी बनाने के लिए आप इसको काटते हैं, सेम उसी तरह से इसको काटना है। इसको छीलने का मतलब एक ये भी है, जो छिलका उतारने का, कि इसमें नमक आसानी से और बहुत बढ़िया तरह से अंदर जाएगा, और ये खाने के लिए तैयार जल्दी हो जाएगा अगर आप इसका छिलका उतार देते हैं। नहीं छिलका उतारते हैं तो खाने के लिए इसको तैयार होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा। इस तरह से छिलका इसका उतार लें। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने इसका टुकड़ा कर लिया, इसका छिलका देखिए किस तरह से अच्छी तरह से हमने उतार दिया है, ताकि इसके अंदर नमक आसानी से जाए और ये खाने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और ये हमारा कोमल मुलायम वाला फली है, और ये बीज वाला है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए हवा में इसे रहने देंगे, थोड़ा इसमें जो नमी है, पानी का जो अंश है, ये थोड़ा खत्म हो जाएगा। इसको हम फैला देंगे इस तरह से, और फैलाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद आगे देखिए क्या करना है और कैसे करना है। इसके अंदर का जो नमी है, इसे धूप में हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, धूप में अगर आप रखते हैं तो खराब हो जाएगा। छाया में ही इसको थोड़ा देर के लिए, 2-3 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे, इसके अंदर का जो नमी है थोड़ा कम हो जाए, पानी थोड़ा सूख जाए, थोड़ा मुरझा जाए। इसके बाद आगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं, इसे हमने 2 घंटा करीब धूप में रखे हुए हो गया है,
और ये देखिए ये मुरझा गया है, थोड़ा इसके अंदर का जो नमी था वो सूख गया है, मुरझा गया थोड़ा। तो अब ये हमारा तैयार है। और यहाँ देखिए ये वो आम का अचार, जिसमें हम इसे डालकर मिक्स करेंगे। ऐसे, और इसे ज्यादा नहीं सुखाना है, ज्यादा अगर सब सुखा देते हैं तो फिर वो खाने लायक नहीं रह जाएगा, इसलिए जितना हमने सुखाया है उतना ही इसे सुखाना है। इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे सभी को डालकर। और 8 से 10 दिन के अंदर ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसे भी हम सब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हमने मिक्स कर दिया है और 8 से 10 दिन में ये हमारा रेडी हो जाएगा खाने के लिए तैयार। फर्स्ट क्लास खट्टापन इसमें आ जाएगा। और इसे रखना कहाँ है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, छाया में रखना है। और इसके ऊपर कपड़ा बांध देंगे ताकि हवा इसमें थोड़ा जाता रहे। हवा इसलिए कि अभी ये जो हमारा सहजन है इसके अंदर नमी है, पानी का अंश है, तो पानी का अंश निकलने के लिए इसमें से वहां बन के वो निकलेगा उसके लिए इसमें थोड़ा हवा जाना चाहिए। और बिल्कुल से बंद नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप बनाएं और आसानी से इसे स्टोर करें और जब तक जी चाहे इसको स्टोर करके रखें और खाते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए किस तरह से इसमें मसाला लिपट गया है फर्स्ट क्लास। और बीच बीच में 2 दिन 3 दिन पे इसको मिक्स करते रहेंगे, उलट पुलट नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करते रहेंगे। बस ये अब हमारा तैयार है, 8 से 10 दिन में खाने के लिए रेडी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।